वेलकम टू माई चैनल नविता क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे हैं। सो बहुत ज़्यादा ठंड है, सो आज की बात करते हैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे टाइटल में देख के कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि वीडियोज एकदम से वायरल कैसे बनाएं, है ना। अब भाई हम सब यहाँ हैं, यूट्यूब पे हैं, तो इसीलिए हैं कि हाँ हम सब की वीडियो चले, हमारी वीडियो चले। कोई भी यहाँ पर टाइम पास करने के लिए तो है नहीं कि हाँ ना हो, लेकिन जो नया है, जो किसी को भी नहीं जानता है, एकदम न्यू कमर है, तो उसको अपना पहचान बनाने में, अपना यहाँ पे स्टेबल होने में टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत जाती है। तो इसमें अगर छोटे मोटे फंडे अपना कर थोड़ा फायदा मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है सॉरी, लेकिन थोड़ी ऑनेस्टी होनी चाहिए। जिसे कहते हैं क्लिक बेड, मतलब कि थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि जो ऑडियंस है जिसके सामने वो जाए तो वो मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए। लेकिन जिस टॉपिक पे आप थंबनेल बना रहे हो उसका थोड़ा सा कंटेंट तो एटलीस्ट आपकी वीडियो में होना चाहिए। बहुत सा मैं देखती हूँ और वो वीडियो वायरल हो भी गई हैं, हो भी जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनके 5-5, 6-6 सौ सब्सक्राइबर हैं और वीडियोस पे जो व्यूज हैं वो आए हैं 50,000, 60,000, 40,000। तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि थंबनेल बना दिया। अभी जैसे स्पेशली अगर मैं कोरोना काल की बात करूँ तो इसमें इतनी कैजुअलिटीज हो रही थी, तो पता है बहुत से लोगों ने क्या किया, किसी कोई भी फेमस सा चेहरा चिपका दिया एक कॉर्नर पे और टैग लाइन डाल दी नीचे कि वी लॉस्ट वन मोर इन दिस कोरोना पीरियड। तो ऑब्वियसली होती है यार, क्यूरियोसिटी होती है, हाय राम इसको क्या हो गया, ये तो सही था ये वो, तो इस चक्कर में लोग क्लिक करते हैं। अंदर क्या होता है, अंदर टमाटर की सब्जी बनाई जाती है, अंदर चाय बनाई जाती है, या फिर कहीं भी किसी की भी पब्लिक प्लेस का दिखा देते हैं कुछ भी। तो बिल्कुल ऐसा भी ना करें। तो ऐसे ये कि लेकिन ये वाले जो फंडा है ना, ये वाली जो वीडियो है, मतलब वायरल बहुत जल्दी चली जाती है क्योंकि लोगों में होती है क्यूरियोसिटी जानने की, सभी में होती है, हम भी ऐसा क्लिक करते हैं अगर कोई अचानक से इतना इंटरेस्टिंग सा टाइटल आता है तो एक होता है ना कि अच्छा चलो एक बार देखते हैं खोल के। सो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्लिक बिट कीजिएगा, थंबनेल बनाइएगा, भैया आप यहाँ पे आए हैं तो फेमस होने के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ी तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। अभी जैसे कि आप में से कुछ बोलेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने भी तो ऐसा थंबनेल बनाया है कि वायरल कैसे हो वीडियो। तो हाँ बिल्कुल, मैंने भी ये इसी पर्पज से बनाया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं कम से कम उस टॉपिक पे बात तो कर रही हूँ। ये तो नहीं है कि आपने क्लिक किया और देखा मुझे झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, ऐसा नहीं है ना। सो चलिए अगर मैं बात करूँ जितना मुझे समझ में आया है यहाँ पर जो बेसिक फंडे हैं सक्सेसफुल होने के, उसमें मुझे तो यही लगता है कि भाई अपनी मेहनत करते रहिए, अपना कंटेंट जो आप लेके चले हैं शुरू से वो दिखाते रहिए, अपने कंटेंट के प्रति ऑनेस्ट रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करते रहिए, मैसेज अगर कोई कर रहा है, टाइम निकाल के आपकी वीडियो देख रहा है, आपको कमेंट कर रहा है, तो उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर कीजिए, उसको उसके लिए थैंक्सफुल रहिए और अपनी वीडियो में अपनी ऑडियंस को धन्यवाद जरूर दें और थोड़ा बहुत क्लिक बिट कर लें ऑनेस्टी के साथ। अगर आप क्लिक बिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर, लाइक हम 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं और हमने जो भी थंबनेल डाला है, जो भी टाइटल डाला है, तो हम 10 मिनट में 7 मिनट अपना जो रोज वाला है वो दिखा दें, लेकिन कम से कम 2 से 3 मिनट उस टॉपिक पे बात जरूर करें। 5 मिनट की है तो 1 से 1.5 मिनट करें, मतलब 20-30% जो आपकी वीडियो का पार्ट है वो उस टॉपिक पे जरूर होना चाहिए जिस टॉपिक पे आपने थंबनेल बनाया है, जिस टॉपिक का आपने थंबनेल सेट किया है, क्योंकि ऑडियंस को धोखा देना ये तो बहुत गलत बात है। सो क्लिक बिट कीजिए लेकिन लिमिट में। और रही मैं, हाँ एक चीज़ और मैंने नोट की है, जैसे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनका फेस यूज़ करके उनके बारे में बातें बनाकर, मतलब बातें बनाकर नहीं सॉरी, उनके बारे में बातें करके
भी काफी लोगों की वीडियो चल जाती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उनकी पॉजिटिव चीजें देखिए, पॉजिटिव बातें बोलिए, उनके बारे में बताइए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। सो चलिए ये सब है, तो बस यही है, कंटेंट अच्छा होना जरूरी है, थंबनेल मेन चीज है, थंबनेल अच्छी होनी जरूरी है। मुझे तो यही लगता है कि न्यू कमर्स के लिए थंबनेल होना मस्ट है, जो कि कोई आए तो उसको एक बार टच करे, टच करेगा, अंदर जाएगा तो एक दो मिनट वो देख ही लेगा और अगर थंबनेल ही वो नहीं होगा तो बस स्वाइप करते चले जाते हैं, स्वाइप होती चली जाती है। सो बस यही है, तो मुझे बस यही बात करनी थी, कुछ खास था भी नहीं मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बोर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इतने में चाय पीती हूँ, इतने दिन बोर कर लूँ, आप लोग भी पी लीजिए, ठंडी हो गई यार बातें करते करते। खैर चलिए, बहुत बोर हो गया। सो ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई है वो क्लिक बिट के पर्पज से ही बनाई है, साफ साफ बता रही हूँ बाय। लेकिन बाकी की जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी वो मैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही डालूंगी, लाइक अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन, एक हाउसवाइफ का जो होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ऑनेस्टी के साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये मुझे लगा कि मैं बना देती हूँ, कर देती हूँ, सो मैंने कर दिया। अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगे तो भी वेलकम। बाय बाय, बने रहिएगा आगे की वीडियोज के लिए अच्छी अच्छी। बाहर आंटी खड़ी हो सुन रही है, पता नहीं क्या भक-भक करती रहती है। चलिए बाय।